नारायण नारायण, आज का विषय है अपना सुख दुख श्री राम से कहो। तुम सब भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी ही सेवा अखंड जारी रखो, उसी से हमें मोक्ष मिलेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उससे क्या होने वाला है, तुम उस तरफ ध्यान मत दो। परमेश्वर की सेवा जितनी बढ़ाई जाए उतनी थोड़ी ही है। वह बहुत बड़े हैं, वह असीम हैं। उन्हें देखने के लिए हमें उनकी सेवा भी बहुत बड़ी करनी चाहिए, फिर वैसी बड़ी शक्ति भी उन्हें देखने के लिए हम में होनी चाहिए। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना दर्शन कराया। वैसी दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है, किंतु उन्हें प्राप्त करने की शक्ति हमारे पास है। भक्ति की प्रगति यही सच्ची शक्ति है, और उसके लिए अखंड नाम स्मरण ही सच्चा साधन है। श्री राम प्रभु हमारे घर के ही कोई ना कोई हैं, ऐसा विश्वास रखो। उन्हें अपने सुख दुख कहो। दिन में कम से कम एक बार तो प्रभु राम के सामने खड़े होकर उनकी अनन्य भाव से शरण जाओ। दिन आनंद में बीतेगा और तुम्हारा दुख दूर होगा। हमारा ज्ञान, वैभव, शक्ति, सत्ता, ये सब उनके सामने कुछ भी नहीं है। अतः इन सब को भूलकर उनकी शरण जाओ और उनसे प्रेम मांगो। उनसे कहो, हे भगवान, हम अभी जो तुम्हारे दर्शन ले रहे हैं वे सब बाह्य स्वरूप के, तो अब तुम हमें अपने सच्चे दर्शन कराओ। हम अवगुणों से भरे हो सकते हैं, तुम्हारे दर्शन हो, इतनी सेवा हम तुम्हारी नहीं कर सकते, किंतु अब तुम हमें क्षमा करो। अब इसके बाद हे भगवान, चाहे जितने संकट आएं, अपने नसीब के भोग तुम्हारा नाम स्मरण करते करते आनंद से भोगेंगे। जो होने वाला हो होता रहे, बस हमारा संतोष बना रहे और तुम्हारे नाम से हमारा प्रेम बना रहे, बस इतनी कृपा बनी रहे। सचमुच भगवान भक्तों की परख करते हैं, उसका भाव कितना गहरा है यह देखते हैं। अन्यथा भगवान तो वस्तुतः भक्त के पास ही होते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का चिंतन करता है, उसे यह विश्वास होता है कि परमेश्वर उसके पास है, वे उसकी सहायता करने को तैयार हैं। हमारे लिए दो मार्ग हैं, एक श्रद्धा का और दूसरा अनुभव का। एक गांव को पगडंडी से जाने पर सिर्फ 3 मील का फासला चलना पड़ता है, और मोटर से जाने पर 10-12 मील का फासला है। श्रद्धा उस पगडंडी के समान है, उससे जाएंगे तो अंतर कम होगा। मोटर का मार्ग अनुभव का मार्ग है। मोटर कहीं रास्ते में बिगड़ गई या रास्ते में कहीं बाधा आई तो प्रगति रुक जाती है। उस प्रकार अनुभव में कहीं गलती हो गई तो प्रगति रुक जाती है। इसलिए संभवतः हम श्रद्धा का मार्ग स्वीकृत करें। सद्गुरु के शब्द पर विश्वास रखकर श्रद्धा और प्रेम से नाम स्मरण करें। नारायण नारायण।